प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं लूनेश कुमार वर्मा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छछान पैरी जिला रायपुर से आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ कक्षा सातवीं विषय हिंदी को लेकर। प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 22 जिसका शीर्षक है सुब्रमण्य भारती का अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, हमने इस पाठ का कुछ अंश पहले भी अध्ययन किया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, देश के स्वाधीनता संग्राम में जहां कुछ देशभक्तों ने अपने तेजस्वी भाषणों नारों से विदेशी सत्ता का दिल दहलाया, वहीं कुछ ऐसे साहित्यकार भी थे जिन्होंने अपने काव्य बाणों से विपक्षी को आहत किया। हिंदी में मैथिली शरण गुप्त, सोहनलाल द्विवेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर आदि ने अपने काव्य रचनाओं के माध्यम से भारतीय नवयुवकों के मन में देश प्रेम के भाव भरे। इनके जैसे ही देश के अन्य भाषाओं में भी ऐसे देशभक्त कवि साहित्यकार हुए जिनकी रचनाओं ने अंग्रेजी राज्य की जड़ें हिला दी। तमिल भाषा के ऐसे ही कवि थे सुब्रमण्य भारती। इनके विषय में विस्तृत जानकारी हम इस पाठ के माध्यम से प्राप्त करेंगे। जैसा कि सुब्रमण्य भारती के विषय में आप जानते हैं, सुब्रमण्य भारती 20वीं सदी के महान तमिल कवि थे। उनका नाम भारत के आधुनिक इतिहास में एक उत्कट देशभक्त के रूप में लिया जाता है। सुब्रमण्य भारती तमिलनाडु के रहने वाले थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा तमिलनाडु में हुई थी और आगे की शिक्षा के लिए ये बनारस गए थे। वहाँ से अपनी शिक्षा पूरी कर वापस तमिलनाडु आए और वहाँ वे स्वदेश मित्रण पत्रिका में सहायक संपादन के रूप में कार्य करने लगे और अपने ओजस्वी गीतों के माध्यम से देश सेवा करने लगे। तो ऐसे ही स्वतंत्रता के विभिन्न आंदोलनों में भी ये भाग लेते रहे। सन 1907 में भारती ने सूरत में कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया। उग्रवादी विचारों से प्रभावित होने के कारण उन्हें यह विश्वास हो गया था कि नरमपंथी दृष्टिकोण से देश कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकता। यहां हमें एक बात समझनी है, जैसे कभी प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे, उग्रवादी विचार से आप क्या समझते हैं? उग्रवादी विचार से आशय क्रांतिकारी विचारों से है। इस विचारधारा के लोग ईंट का जवाब पत्थर से देने पर विश्वास करते हैं, अर्थात ये गर्म दल के क्रांतिकारी हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, आप चित्र में देख भी पा रहे हैं, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल उग्रवादी विचारों के समर्थक थे। इन्हें लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता था। उनके मन में, किनके मन में? भारती के मन में, सुब्रमण्य भारती के मन में बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल के प्रति बहुत सम्मान उत्पन्न हो गया था। वे लोग क्रांतिकारियों की तरह भारत की स्वाधीनता के लिए संघर्ष करने को तत्पर थे। उन्हें लगा कि स्थिति क्रांतिकारी मोड़ लेना चाहती है। ऐसे में भारती का देशभक्तिपूर्ण लेखन बहुत शक्तिशाली होता जा रहा था, फिर भी कोई उसे छापने को तैयार नहीं था, क्योंकि लोग सरकार के क्रोध से डरते थे और उस समय थे अंग्रेज सरकार। इनके क्रोध से लोग डरते थे, पत्रकार लोग डरते थे, संपादक लोग डरते थे, इसलिए इनके लिखे हुए गीतों को अपनी पत्रिकाओं में छापने से वे डरते थे। यहां तक कि स्वदेश मित्रण के संपादक ने भी उनके दृढ़ उग्रवादी विचारों को छापने से इनकार कर दिया। जिस स्वदेश मित्रण पत्रिका में ये सहायक संपादक थे, उसके संपादक ने भी इनके गीतों को छापने से मना कर दिया। ऐसा जब कर दिया गया, तब भारती ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया।
देखिए देशभक्ति, अब देख रहे हैं यह सामासिक पद है, इसका समास विग्रह करेंगे। देश के लिए भक्ति, ये चतुर्थी तत्पुरुष समास है। दृढ़, दृढ़ का तात्पर्य होता है मजबूत। त्याग पत्र, त्याग पत्र मतलब इस्तीफा, तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और सन 1907 में वे अपना ही इंडिया नामक एक साप्ताहिक पत्रिका निकालने लगे। इसमें वे अपने विचारों को स्वतंत्रता से छापते और जनता उन्हें उत्सुकता से पढ़ती। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आंदोलन भड़कता जा रहा था, शासकों ने इसे दबाने के लिए नेताओं और आंदोलनकर्ताओं को पकड़ना और जेल में बंद करना शुरू कर दिया। भारती किसी भी दिन अपनी गिरफ्तारी के वारंट का इंतजार कर रहे थे। उनके दोस्त और अनुयायी नहीं चाहते थे कि वे शिक्षकों के पीछे बंद हों। शिक्षकों कहते हैं जेल की सलाखों को। इसलिए गिरफ्तारी से बचने के लिए भारती सन 1908 में पांडिचेरी चले गए। वहां भी ब्रिटिश सरकार के गुप्तचर उनकी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखे हुए थे। भारती को उन गुप्तचरों का पता लग गया था। गुप्तचर कहते हैं जासूस को। अपने दुखपूर्ण क्षणों में भी भारती का ईश्वरीय भक्ति पर से विश्वास नहीं हटा, अर्थात ईश्वर पर उनकी भक्ति थी, ईश्वर पर उनका विश्वास था, वे उसे डिगे नहीं। इससे उन्हें पांडिचेरी में सबसे कठिन समय बिताने में सहायता मिली। जब उनके पास धन नहीं था, उनके प्रशंसकों ने आर्थिक रूप से और अन्य तरीकों से उनकी मदद की, यहां तक कि मकान का किराया न देने पर भी उनके मकान मालिक ने उन्हें कुछ नहीं कहा। नहीं तो सामान्य रूप से होता क्या है, जब हम किराए के मकानों में रहते हैं तब जैसे ही समय होता है मकान मालिक हमें किराया देने के लिए तंग करते हैं। तो उनके मकान मालिक ने भी उनके साथ सकारात्मक व्यवहार अपनाया और उन्हें कुछ नहीं कहा। क्यों? क्योंकि वे जानते थे कि सुब्रमण्य भारती देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे हैं, गीत लिख रहे हैं, ओजस्वी गीत लिख रहे हैं। इसलिए दुखपूर्ण यह एक सामासिक पद है, इसको समास विग्रह करेंगे। दुखों से पूर्ण, तृतीय तत्पुरुष समास है यहां। भारती स्वयं किसी से सहायता नहीं मांगते थे, सहायता मांगने से उनके स्वाभिमान को ठेस लगती थी, किंतु गरीबी उनकी उदारता को कम नहीं कर पाई थी। स्वाभिमान, स्वधन अभिमान बराबर स्वाभिमान, यहां पर दीर्घ स्वर संधि का प्रयोग हुआ है। एक बार उन्होंने अपना बहुमूल्य जरी के बॉर्डर वाला अंग वस्त्र तक, जिसे किसी अमीर प्रशंसक ने उन्हें दिया था, एक गरीब को दे दिया। जब उनकी पत्नी चेल्लमाल ने इस बात के लिए उन्हें डांटा तो वे हंस दिए और बोले कि उस आदमी पर वह अच्छा लग रहा था। दूसरों की खुशी उनकी अपनी खुशी थी। वे लेखन में अक्सर यह बात व्यक्त करते थे कि समस्त जीवित प्राणी उस सर्वोच्च शक्ति की अनुपम रचना हैं और उसकी नजर में हम सब बराबर हैं, अर्थात सब समदृष्टि रखते थे, सबको एक जैसा वे देखते थे। ऐसा लगता था कि जंगली जानवर भी भारती के सच्चे प्यार को पहचानते थे। एक बार जब भारती और चेल्लमाल चिड़ियाघर में घूम रहे थे, वे शेर के पिंजरे के बहुत करीब चले गए और जंगल के राजा को बुलाकर उससे बोले, कविता का राजा तुमसे मिलने आया है। एक प्रश्न है, इस पाठ में
कविता का राजा किसे कहा गया है? इस पाठ में कविता का राजा सुब्रमण्य भारती को कहा गया है। जब भारती ने जंगल के राजा को कहा कि कविता का राजा तुमसे मिलने आया है, जवाब में शेर दहाड़ा और उसने भारती को अपना स्पर्श करने दिया। इस आश्चर्यजनक दृश्य को देखकर अन्य दर्शक भौंचक्के रह गए कि चिड़ियाघर में ऐसा दृश्य कि शेर का स्पर्श कोई व्यक्ति कर रहा है। अनोखा घटना था, आश्चर्यजनक घटना था। इस घटना से स्वाभाविक रूप से लोग जो थे वहां दर्शक के रूप में वे भौंचक्के रह गए। भारती को बच्चों से बहुत प्यार था। उन्होंने बच्चों के लिए द चाइल्ड सॉन्ग बच्चे का गीत लिखा, उसे धुन दी और गाया भी। वो गीत क्या था? भागो और खेलो आलसी मत बनो मेरे प्यारे बच्चों, मिलजुल कर खेलो कभी भी घबराओ नहीं मेरे प्यारे बच्चों, यही जीवन का ढंग है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों। भारती ने स्वतंत्र भारत के ऐसे लोगों की कल्पना की थी जो उच्च विचारों को आत्मसात कर उन्हें बढ़ावा दें। वे सहज ही पिछड़ी जाति के हिंदुओं और मुसलमानों से हिल मिल जाते थे। यह एक शब्द है आत्मसात। आत्मसात का तात्पर्य होता है अपनाना या ग्रहण करना। अब तक गांधी जी का सार्वभौमिक प्रेम व भाईचारे का संदेश देश भर में चारों ओर फैलने लगा था। उससे प्रभावित होकर भारती ने लिखा, रे मेरे मन मधुर दया दिखा शत्रु पर। देखिए ये जो भावना है इन गीत की पंक्तियों में, इन गीतों में गांधी जी की अहिंसावादी दृष्टि है। उनका विजय नाद का गीत जिस पर नृत्य भी किया जाता है, वो गीत क्या कहता है? वो गीत कहता है, मानव मानव एक समान, मानव मानव एक समान, एक जाति की हम संतान, यही दृष्टि है खुशी आज की, बजा नगाड़ा करो घोषणा प्रेम राज्य की। भारती ने गांधी जी की प्रशंसा में कविता लिखी, बहुत वर्षों तक जियो गांधी महात्मा, इस तरह से उनकी कविता की पंक्तियां हैं। भारती गांधी जी से चेन्नई, जिसे पहले मद्रास कहा जाता था, आज उस स्थान को हम चेन्नई के नाम से जानते हैं। समुद्र किनारे है, आप जानते हैं, देखे हैं तमिलनाडु, भारत का नक्शा में आप देखें नीचे की ओर दक्षिण की ओर आपको तमिलनाडु दिखाई देगा, वहीं समुद्र के किनारे आपको चेन्नई दिखाई दे रहा है। तो भारती गांधी जी से चेन्नई मद्रास में सन 1919 में केवल एक बार मिले थे और वह भी कुछ क्षणों के लिए। गांधी जी ने राजा जी और अन्य कांग्रेसी नेताओं और देशभक्तों से कहा था, भारती देश का एक ऐसा रत्न है जिसकी सुरक्षा और संरक्षण करना चाहिए। लेकिन बहुत जल्दी ही उनका अंत आ गया। भारती नियमित रूप से मंदिर जाते थे, वहां मंदिर के हाथी को नारियल देने में उन्होंने कभी चूक नहीं की। एक दिन हाथी मस्ती में था, इस बात से अनभिज्ञ भारती हमेशा की तरह नारियल खिलाने उसके करीब गए। किसके करीब गए? हाथी के करीब गए। हाथी ने उनको अपनी विशाल सूंड मारी और वे उखड़े हुए पेड़ की तरह गिर गए। यहां आप देख रहे हैं एक शब्द आया है अनभिज्ञ। अनभिज्ञ का तात्पर्य होता है अनजान। अचानक हुए इस हमले से भारती बुरी तरह घायल हो गए। भीड़ जमा हो गई और उन्हें देखने लगी, पर कोई भी पास जाकर उन्हें बचाने की हिम्मत न जुटा पाया, क्योंकि जो हाथी था वो अभी भी उन्मत्त था। यह खबर जंगल की आग
आप जानते हैं जंगल की आग, जंगल में जब आग लगती है तो आग बुझाए नहीं बुझती है, क्योंकि जितना हवा चलता है वो जंगल की आग को और बढ़ाता चला जाता है। जंगल में आग लगा हुआ आपने कभी देखा भी? देखिए, आप देख रहे हैं। तो यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। जैसे ही यह खबर भारती के घनिष्ठ मित्र कानन के कानों तक पहुंची, वे भागे हुए आए और उन्होंने भारती को बचाया। अच्छी चिकित्सा होने के कारण भारती की हालत कुछ हद तक सुधर गई। वे मन से अपने आप को स्वस्थ मानते थे। जैसे कहा भी गया है, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। तो मन से वे जीतने वाले व्यक्ति थे, मन से हार नहीं मानते थे, इसलिए वे मन से अपने आप को स्वस्थ मानते थे और इसलिए यह विश्वास करने से इनकार करते थे कि उनकी सेहत गिर रही है। वे तब तक अपने क्षीण स्वर में गाते रहे, क्षीण स्वर मतलब मंद स्वर में, धीमे स्वर में गाते रहे, जब तक कि 12 सितंबर सन 1921 को उनकी आवाज सदा के लिए शांत न हो गई। जब भारत स्वतंत्र हुआ तब भारती की रचनाएं विस्तृत रूप से प्रकाशित होने लगी, क्योंकि भारत जब स्वतंत्र नहीं हुआ था तब तक उनकी रचनाओं के प्रकाशन पर प्रतिबंध लगा हुआ था। जो प्रकाशक हुआ करते थे, संपादक हुआ करते थे, वे उनकी रचनाओं को छापने से कतराते थे। लेकिन जब भारत स्वतंत्र हो गया तब कहीं किसी के मन में कोई भय नहीं था, इसलिए उनकी रचनाएं विस्तृत रूप से प्रकाशित होने लगी। आज विश्व के पुस्तकालयों में उनकी किताबें संग्रहित हैं, संग्रहित मतलब इकट्ठा हैं। अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद होने के साथ साथ अंग्रेजी, रूसी और फ्रेंच भाषा में भी उनकी पुस्तकों का अनुवाद हुआ है। सुब्रमण्य भारती की याद में एट्टयपुरम में भारती मंडप स्थापित किया गया है। एट्टयपुरम आप देख रहे हैं, यहां तमिल में महात्मा गांधी द्वारा लिखे शब्दों को पढ़ा जा सकता है। क्या लिखा है वहां? वहां लिखा है, जिन्होंने भारती को अमर बनाया उन प्रयासों को मेरा आशीर्वाद। चेन्नई के समुद्र तट पर भारती की एक प्रतिमा है। ऐसा प्रतीत होता है कि अनंत लहरों का लयबद्ध नाद उनकी कविता को, उनकी कविताओं को गुनगुना रहा है। भारती द्वारा रचित उनका आखिरी गीत जो उन्होंने चेन्नई मद्रास के समुद्र तट पर हुई सभा में अपनी मृत्यु से कुछ सप्ताह पहले गाया था, उनके बहुत लोकप्रिय गीतों में से एक है। वो गीत क्या है? भारतीय समुदाय अमर हो, भारतीय समुदाय अमर हो, जय हो भारत जन की जय हो, भारत जनता की जय जय हो, जय हो जय हो जय हो। तो ये उनका गीत है जो उन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में लिखा था और गाया था। प्यारे बच्चों, इस पाठ में हमने तमिल के कवि सुब्रमण्य भारती के विषय में बहुत सी जानकारियां प्राप्त की। आइए, अभी हमने जो अंश पढ़ा है उसके आधार पर कुछ गृह कार्य का प्रश्न मैं आपको देना चाहता हूं। नोट करेंगे, आप स्क्रीन में देख भी पा रहे हैं। भारती स्वयं का साप्ताहिक अखबार क्यों निकालने लगे? ये पहला प्रश्न हुआ। दूसरा प्रश्न लिखेंगे, भारती ने स्वतंत्र भारत में कैसे लोगों की कल्पना की थी? तीसरा प्रश्न लिखें, हाथी के हमले के समय भारती को कोई क्यों नहीं बचा पाया? तो प्यारे बच्चों, आज हमने देखा हमारे भारत देश के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले कवि साहित्यकार सुब्रमण्य भारती के विषय में बहुत सी महत्वपूर्ण बातों को। निश्चित रूप से हमें इस पाठ से यह भी प्रेरणा मिलती है कि स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले केवल क्रांतिकारी और नेता ही नहीं रहे हैं, अपितु कवि लेखक जैसे बहुत से लोग भी रहे हैं और उनमें से एक हैं सुब्रमण्य भारती। तो निश्चित रूप से हमें
इस पाठ के माध्यम से सुब्रमण्य भारती की जो महत्ता है उसके विषय में बहुत सी जानकारियां प्राप्त हुई हैं, और इनकी जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं को हमें अपने जीवन में ग्रहण करना है, उतारना है, तब हमारा यह पाठ पढ़ना सार्थक होगा। अंत में नमस्कार।